हेलो फ्रेंड्स, मैं मुझे कोकर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बाइक का रिव्यू। बाइक होगी कौन सी? बाइक होगी हमारी स्प्लेंडर प्लस। बाइक दिखा दीजिए। ये दोस्तों ऐसी हमारी बाइक, पहले मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ इसको, ऐसा कुछ लुक बाइक का, उधर से भी दिखा दूँ। दोस्तों एक बात है जो इस बाइक में खटकती है वो ये बैग, जो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो अपनी अपनी पसंद होती है। ये मतलब ये ज़्यादा ओल्ड एज हैं जिनकी बाइक है तो बैग लगवा रखा है, पर ये तो अपनी अपनी पसंद होती है। बहुत से मतलब हमारी उम्र के भी लगवाए रहते हैं बाइक में। और फ्रेंड्स अब आते हैं मेन बाइक पर। सबसे पहले इधर ये है स्प्लेंडर प्लस। आप दोस्तों सोचेंगे मैंने और स्प्लेंडर का भी पहले रिव्यू कर रखा है, बट उनसे थोड़ी अलग है क्योंकि एक मैंने किया था 2012 मॉडल स्प्लेंडर का, और ये है दोस्तों हमारी 2018 मॉडल। और बात करते हैं सबसे पहले टैंक की। दोस्तों ये टैंक पर तो वैसे स्क्रैच है, बट दोस्तों तभी देखिए इतनी, जो मतलब हमारी उम्र के रहते हैं वो तो बिल्कुल अच्छी तरह लगते हैं मॉडिफाई करवा के, जैसे मेरे फ्रेंड ने करवा रखी है। वो भी 2018 मॉडल ही है जो उनकी हमने मॉडिफाई करवाई है। स्प्लेंडर वो आपने वीडियो में देखा ही होगा, जो वीडियो ना देखी हो सो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आते हैं इस बाइक पर, और यहाँ पर हीरो लिखा मिलता है टैंक पर, और ये ब्लैक एंड वाइट सिल्वर मिलते हैं, मतलब ब्लैक एंड सिल्वर मिलते हैं इस पे स्टिकर, और ये हीरो लिखा, ये तो आपने देख लिया। और बात करते हैं साइड पैनल की, इस पर लिखा मिलता है स्प्लेंडर प्लस, क्योंकि ये बाइक है हमारी स्प्लेंडर। और जो हमारी वो बाइक थी उस पर तो हमने ये स्टिकर उतार रखे थे ये और ये वाला, बट फ्रेंड्स ये मॉडिफाई नहीं है, तो नॉर्मल बाइक है, नॉर्मल तो ऐसी आती है। और बात करते हैं इधर ये टैंक पर। ये फ्रेंड्स आप पोज कर पढ़ सकते हैं वीडियो को, और टैंक दिखा दे इसका। ये फ्रेंड्स स्प्लेंडर में मुश्किल हो जाता है खुलना, इससे खोलेंगे। ये दोस्तों प्लेटिना में तो बस ये ऐसा मिलता है अलग, और इसमें दोस्तों ये प्लेटिना में ऐसे मिल जाता है क्योंकि इसमें यही ऐसा मिलता है, इसमें ढक्कन मिलता है। ये दोस्तों इसकी टैंक कैपेसिटी की बात करें, इसमें दोस्तों 11 लीटर का मिलता है टैंक, 11 लीटर पेट्रोल आ सकता है इसमें। और फ्रेंड्स बात करते हैं अपनी बाइक पर, आते हैं मीटर पर, मीटर की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स चाबी दिखा दूँ पहले, तो ऐसे मिलती है ये हमारी चाबी स्प्लेंडर की। वैसे तो कंपनी से ये वाली मिलती है, इन्होंने बहुत चाबी डाल रखी है इसमें तो पता नहीं लगता। ये वाली दोस्तों मिलती है ओरिजिनल चाबी, और ये डला है इसमें अलग से लॉक, ये मिंडा का लॉक है ओरिजिनल। सो फ्रेंड्स ये लगाते हैं और करते हैं ऑन। ये दोस्तों सबसे पहले मीटर में, इधर मीटर में मिलती है 140 तक मार्किंग, और यहाँ पर सुई मीटर की ऑरेंज कलर की, और यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस लिखा मीटर में। दोस्तों इधर बात करिए, ये आप सोचेंगे सुई ऐसे कैसे हो रही है। सो फ्रेंड्स ये मीटर की सुई हो रही है ख़राब, क्योंकि जो इसमें मीटर का सेंसर आता है वो ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से ही ये सुई ऐसे अभी हिल रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इधर यहाँ पर मिलता है न्यूट्रल का, यहाँ पर न्यूट्रल, ये लाइट बली रहती है, जैसे मैं लगाऊँगा इसमें फर्स्ट गियर, ये होगी बंद, वो न्यूट्रल करते ही फिर जल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों हेडलाइट का मतलब, ये दोस्तों जब हाई पास ऑन रहता है तब ये चलता है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ हाई पास करते हैं। दोस्तों ये काम तो कर नहीं रहा हमारा, ये इसका काम नहीं कर रहा बट फ्रेंड्स ये ऐसा ही होता है। और बात करें इधर की, ये इंडिकेटर का लेफ्ट राइट का, लेफ्ट में चलाते हैं तब ये जलता है, सब खराब है इसमें। दोस्तों इसमें ये बहुत सी चीज़ मीटर में ख़राब मिलती है, मतलब मिलती है नहीं, ख़राब हो रही है क्योंकि ये मीटर की केबल वाले की, और ये इंडिकेटर वाली, ये हो रही है ख़राब। वैसे तो दोस्तों ठीक होते हैं बट हो ही गए होंगे। और फ्रेंड्स इधर करने बात, ये इसकी यहाँ पे अलग से लगी है ग्रिप, हैंड ग्रिप, ये वैसे तो नॉर्मल मुट्ठे मिलते हैं जिसे बोलते हैं हिंदी भाषा में मुट्ठे, और ये इसमें अलग से लगे हैं हैंड ग्रिप ये। और इसके यहाँ पे इसके क्लच लीवर पर भी, और ब्रेक लीवर पर भी अलग से लगी है ये। और देखिए प्लेटिना के बजाय मतलब बहुत हल्के होते हैं प्लेटिना में, तो मैंने आपको बता रखा है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लेटिना से हल्के मिलते हैं स्प्लेंडर में। सो फ्रेंड्स ये हल्के हैं क्योंकि ये स्प्लेंडर तो है ही। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इसका मिलता है हैंडल, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये सेंसर, ये आप कमेंट करके बताएं मुझे कहीं के लिए मिलते हैं स्प्लेंडर, मुझे तो बताएं, बट फ्रेंड्स कमेंट का भी बांधना चाहिए। सो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं। और दोस्तों इसको मैं लगा दूँ पहले, और फ्रेंड्स आए इधर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइट का मिलता है, यहाँ से तो ऑफ, यहाँ से पार्किंग, और यहाँ से ऑन हेडलाइट। और दोस्तों यहाँ पे पासिंग का इसमें, और यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों ख़राब हो रहा है, देखिए एक आध बार ही काम करता है,
और फ्रेंड्स कर देते हैं ऐसे बंद इंडिकेटर के को, और यहाँ पे हॉर्न का, पहले हॉर्न दिखा दो इसमें कैसा मिलता है। सो फ्रेंड्स ये छोटा सा मिलता है हॉर्न, ये आप पढ़ सकते हैं इसकी कंपनी वगैरह। ये दोस्तों ओरिजिनल हीरो का है, टाइप 2A लिखा है इस पर। और साउंड सुना दे इसकी, ऐसी कुछ साउंड, फोकस कर लिया आईफोन, ऐसी कुछ मिलती है साउंड। और फ्रेंड्स आए इधर, ये दोस्तों इसका यहाँ पे सेल्फ, और ये इधर यहाँ पे मिलता है एक मिरर। मिरर फ्रेंड्स ये वाला तो हटवा रखा है, और ये वाला मिलता है बस। और बात करें इधर, ये फ्रेंड्स इसमें सेल्फ, और जो सी मेरे फ्रेंड वाली थी वो तो एक सेल्फ में हो जाती थी स्टार्ट। और मैंने एक रिव्यू किया था 2012 मॉडल स्प्लेंडर का, स्प्लेंडर प्रो थी वो भी फर्स्ट सेल्फ में हो जाती थी स्टार्ट। अब देखेंगे ये 2018 मॉडल हो पाएगी या नहीं। सो फ्रेंड हो जाइए तैयार, हो गई। और दोस्तों सारी स्प्लेंडर हो जाती हैं, अब मुझे पता चल गया, एक बार और चेक करते हैं। देखिए अच्छा इतना नहीं लगा, देखिए। और फ्रेंड्स लगे आता आवाज़ भी सुना देता हूँ बाइक की, ये और ये दोस्तों आप सोच रहे हो मिसिंग मार रही थी, ये मिसिंग नहीं मार रही थी। मैं इसका एक्सीलेटर इसी तरह दे रहा था, थ्रोटल इसका, ये मिसिंग नहीं मार रही थी। और दोस्तों आए आगे की तरफ, ये ऐसा कुछ वाइजर। और दोस्तों यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर प्लस लिखा मिलता है, ये ओरिजिनल हीरो हीरो का है, मतलब ये भी बदलवा नहीं रखा एक बार भी। और फ्रेंड्स ये मडगार्ड बाइक का। और बात करें टायर की दोस्तों, इसमें जे के टायर, देखिए टायर मिलता है। और साइज़ की बात करें इसमें 2.75-18 मिलता है दोस्तों, प्लेटिनम मिलता है 2.75-17, उसमें 17 इंच का टायर मिलता है। और स्प्लेंडर मिलता है 1 इंच बड़ा, 18 साइज का, 18 इंच का टायर। दोस्तों पीछे वाले टायर की बात करें, ये फ्रेंड्स ज़्यादा मिट्टी लगी है बट दोस्तों देख लेंगे। ये दोस्तों अपोलो का टायर मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साइज़ की बात करें यहाँ पे 2.75-18, ये भी सेम मिलता है। प्लेटिना से एक इंच बड़ा प्लेटिना मिलता है 17 इंच का आगे और पीछे दोनों साइड। और स्प्लेंडर मिलता है आगे और पीछे 18 इंच का। और बात करें इंडिकेटर की, देखिए इंडिकेटर रेड मिलते हैं, जो आती थी प्रो स्प्लेंडर प्रो उसमें मिलते थे वाइट ट्रांसपेरेंट, बल्ब मिलता था दोनों में एक ही, बट फ्रेंड्स वो मिलते थे वाइट, ये मिलते हैं रेड। और बात करें हेडलाइट की, हेडलाइट में दोस्तों एक अच्छी बात मिलती है इसकी, हेडलाइट में मिलता है यहाँ पे पार्किंग बल्ब स्प्लेंडर की, प्लेटिना में मिलता नहीं। और यहाँ पे देखिए, ये आप पहुँच कर पढ़ सकते हैं, ये इसका ऐसा बल्ब मिलता है ओरिजिनल फियोनिक्स का, ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पहुँच कर। और दोस्तों इसमें हैलोजन मिलता है। और बात करें पीछे की साइड इससे बाद में करेंगे दोस्तों। ऐसी कुछ मिलती है इसकी टेल बाइक की, और बाइक की कंडीशन इतनी कुछ ऐसी वो नहीं है जैसे ख़राब हो रही हो, न्यू ही है वैसे तो, इसे वे धोते नहीं है मतलब इतनी अच्छी तरह नहीं रखते, बट फ्रेंड्स फिर भी अच्छी लग रही है बाइक दोस्तों। ये आप पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स ये इसका यहाँ पे स्टील का टेल गार्ड, ये ऐसा मिलता है, जो हमारी मॉडिफाई वाली है उसका तो हमने हटा रखा है, ये स्टील का इसे मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये नॉर्मल स्पेंडर में ये मिलता है कंपनी की तरफ से, जो हमने अलग से लगवाया था वो मैंने बताया था, जब मॉडिफाई करवाई थी बाइक उसमें मिलता है वो वाला, वो हमने छोटा लगवाया था, बट ओरिजिनल ये मिलता है दोस्तों। और ये फुटरेस ये भी देखिए आप, ऐसे कुछ मिलते हैं फुटरेस। इसका गियर लीवर ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मिलते हैं दोस्तों, पर इतना तरह गियर नहीं मिलते कि आगे को लगते हैं पीछे न्यूट्रल। इसमें दोस्तों पीछे को गियर लगते हैं चार गियर मिलते हैं, और आगे को होते हैं न्यूट्रल। और फ्रंट इंजन की बात करें, ये इस पर हीरो लिखा मिलता है ये, और ये इसका मेन सेल्फ, ये मैंने दिखाई दिया क्योंकि इसमें मिलता है दोस्तों सेल्फ, तो सेल्फ। और यहाँ पे इसकी ये चौंक, और ये दोस्तों यहाँ पे इसके फ्यूल का, यहाँ पे रिजर्व में, और यहाँ पे दोस्तों ओप, ये फोकस कर लिया आईफोन, और यहाँ पे फ्यूल ऑन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा मिलता है इसके एक पैनल पे पावर स्टार्ट, और पहली साइड वाला ये तो नॉर्मल मिलता है, इस साइड मिलता है स्पेस, पावर स्टार्ट लिखा इस पर, और स्पेस मिलता है इसमें, कुछ सामान वगैरह कागज वगैरह रख सकते हैं। और ये दोस्तों इधर भी इंजन पर हीरो लिखा मिलता है, उसमें भी दोस्तों खड़ा इंजन नहीं मिलता, प्लेटिनम की तरह इसमें मिलता है लोटा हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पर दोस्तों ये प्लग, इसका ओरिजिनल प्लग है कंपनी की तरफ से, जो नीचे हमारी मॉडिफाई वाली थी उसमें तो अलग से लगा है। ये इसका कैप रेड है, उसमें अलग से लगवाया था हमने दोस्तों। ये ऐसी कुछ मिलती है ऐसी किक, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। बाइक का चारों तरफ से दे दिया मैं रिव्यू, देखिए तो आपने पहले देख लिया होगा। एक दोस्तों जो बात सबसे पहले बताई थी मैं, ये बैग, वैसे दोस्तों बैग में भी अच्छी लग रही है,
बट किसी को पसंद नहीं हो रहा, जैसे कि मैं, मुझे बैग पसंद नहीं आता बिल्कुल भी बाइकों में। बट फ्रेंड्स ये काम ही आता है, लगा हुआ इसमें सामान रख सकते हैं कुछ भी। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में था इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।